सोनीपत जिले से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हर बार बरसात से पहले प्रशासन तमाम दावे करता है लेकिन वो फिसड्डी साबित होते हैं और जनता को हर बार परेशानियों से दूचार होना पड़ता है। ये कोई नहर या तालाब नहीं है, ये सोनीपत का शनि मंदिर रेलवे अंडरब्रिज है जहां पर 10 फीट बरसात का पानी जमा हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि नगर निगम की तरफ से बरसात से पहले जल निकासी का कोई भी इंतजाम किया गया हो। जितनी भी बरसात हुई वो सारा का सारा पानी ब्रिज के नीचे इकट्ठा हो गया। यहाँ पर खड़ा हुआ पानी इतना गहरा है कि इस पानी की वजह से यहाँ डूबने से किसी की जान भी जा सकती है। ये पहली बार नहीं है, बरसात की वजह से जनता को हर बार ऐसी ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हर बार प्रशासन दावे करता है कि जल निकासी को लेकर पूरे इंतजाम किए गए लेकिन तमाम दावों की पोल बरसात आते ही खुल जाती है। शनि मंदिर के साथ में जी ब्रिज है पानी का ये पुल, और इसके अंदर आदमी डूब के भी मर सकता है और इसका कोई निकार भी नहीं है, ना यहाँ कोई सुविधा है, कुछ नहीं है जी यहाँ सुविधा, कुछ भी। सरकार प्रशासन से तो यही मांग करे भाई यही इसको बंद करो, ऊपर को खोल दो और यहाँ भाई पानी का इसका निकास करो। तो वहीं दूसरी तरफ शहर की बाकी सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। ज्यादातर सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। सड़कों पर जमा हुआ ये बरसाती पानी निकासी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है जल्द प्रशासन की नींद टूटेगी और जनता की सहूलियत के लिए इस पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। बहरहाल ये तो सोनीपत जिले की बात थी, प्रदेश के अलग अलग जिलों के भी यही हालात हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाह रवैये को दर्शाता है।